नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता शर्मा और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रघुवन सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप सब खातिर बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी लेके आए बनी सेव टमाटर के सब्जी। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अलग तरह से बना करके तैयार किलबा। अगर आप सब लोग के पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करब और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करब। बहुत ही स्वादिष्ट सा रेसिपी बा और एकरा में बहुत ही आसानी से बहुत ही कम सामान में घर में मौजूद सामान से हमनी के ये टेस्टी सा रेसिपी बना के तैयार के लिए बनी। ढाबा स्टाइल सेव टमाटर का सब्जी बनावे खातिर सबसे पहले हम एक कढ़ाई के गरम कर लेते हैं और कढ़ाई में हम डाल दें सरसों के तेल। सेव टमाटर का सब्जी में सरसों के तेल ही यूज करी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगी। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच डाल दी जीरा और साथ ही में जाए सरसों आधा छोटा चम्मच। सरसों और जीरा डालला के बाद हम एकरा में डाल देब लहसुन। 8 से 10 लहसुन के हेतरी हमनी के छोटा छोटा टुकड़ा में काट ले बनी। लहसुन का कलर बदल जाए, भूरा हो जाए, तब हम एकरा में डाल दे प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज के बारीक काट ले बनी, छोटा छोटा टुकड़ा में काटी और अच्छी तरह से मिला ली। और जब तक प्याज हमार भूरा हो खाता तब तक हम जी कुछ हम मसाला तैयार कर ले जानी। सबसे पहले हम इसकी ले बनी आधा कटोरी दही और दही में डाल देब आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो इसके हम डालते हैं हल्दी पाउडर, साथ में जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो तीखा वाला लाल मिर्च के भी यूज कर सके नी। 1 चम्मच के करीब डालते हैं धनिया, 1 से 1.5 चम्मच डाल दी धनिया पाउडर। और फिर एक में हम डाल देब आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा इसकी डाल ले बनी। और अच्छी तरह से एक हमारा मिक्स कर लेवे के बाद इसकी देखिए अच्छा से हमें करके मिला लेनी। पूरा मसाला दही में अच्छे से फिटा गई बा। चलते नहीं कढ़ाई के तरफ, तो कढ़ाई के देखिए हमारे प्याज भी बहुत ही अच्छा से गोल्डन कलर आ गई बा। तो अब एकरा में डाल लेबा हमनी के हरी मिर्च, बारीक कटल हरी मिर्च डाल दे। और एकरा साथ जाई एमे 2 टमाटर के प्यूरी, टमाटर के अच्छे से हमरा के पीस लेवे के बाद पीस के प्यूरी बना ले बनी। अब हम टमाटर डाल के और मिर्ची डाल के अच्छी तरह से एकरा के फ्राई कर ले। बहुत ही अच्छे से फ्राई करे के बाद जब टमाटर से थोड़ा पानी आ जाए तब हम एकरा में नमक डाल दे। जब टमाटर सॉफ्ट होके लगी, थोड़ा मुलायम होके लगी, तब डाल दे नमक। 2 से 3 मिनट अच्छे से स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से करके फ्राई कर ले के बाद, जब तक एकर पानी ना सूख जाओ। अब पानी सूखला के बाद देखी है दही जो हमनी के फेट के रख ले बन जाए दही के साथ मसाला, तो एकरा में हमनी के डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर ले जा। अच्छे से भूज भूज के एकरा के हमने के पकावे के बाद मीडियम टू स्लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से एकरा के पका ली। 1 से 2 मिनट के करीब जब मसाला अच्छे से पक जाए तब हम एकरा में टुकड़े में काट के टमाटर ऐड कर देनी। 2 टमाटर हम प्यूरी बना के डाल ले बनी और 2 टमाटर के मीडियम साइज के 2 टमाटर अच्छी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में, बहुत ज्यादा छोटा भी ना, मीडियम साइज के टुकड़ा में काट के एकरा में हम डाल देते नहीं। डाल के बहुत ही अच्छा फ्राई कर लेवे के बाद एकरा के अगर आप चाहें तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी कर सके नहीं, लेकिन जब एक एक हमने के एक एक बाइट ले जाए, एक एक कौर ले जा, तब वो बहुत ही अच्छा लगेगा टुकड़ा टुकड़ा में टमाटर। अगर आपके पसंद नहीं के तो आप एकरा के एकदम सॉफ्ट भी अच्छे से फ्राई करके काट के कर सके नहीं। तो इसकी देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा टमाटर दिखाई देता और बहुत ही अच्छा सा फ्राई भगल बा, भुजा गल बा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से, और मसाला में से खुशबू भी बहुत अच्छा सोना सोना सा खुशबू आवे लागल। इतना हमरा भूज लेबे के बाद जब भी अच्छे तरह से भुजा जाए तब हम एकरा में डाल देब गरम पानी। ये रेसिपी में हमरा जब भी पानी डाले के बाद तो गरम पानी ही डाले के बाद, ठंडा पानी के यूज नहीं करे के। अच्छे तरह से पानी डाली और 1 से 1.5 ग्लास के करीब और अच्छे से करा के मिक्स कर ली, अच्छे से मिला ली। अब मिलाला के बाद एकरा के खोले दी है थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट में जब ये अच्छे से खोल जाये देखिए जो उबाल आ गेल बा। अच्छी तरह से जब उबाल आ जाए तब हम एकरा में ऐड करब चीनी। अगर आपके पसंद नहीं है तो आप एकरा के स्किप कर सके नहीं, चीनी मत डाली। हम इसकी चीनी डाले बने जेकरा से कि हमार जो तीखा और खट्टा सबके बैलेंस हो जाए, ग्रेवी के बैलेंस और टेस्ट बहुत अच्छा आई। साथ ही में हम डालते नहीं आधा छोटा चम्मच करीब गरम मसाला, गरम मसाला डाली और एकरा साथ हम डाल देब कसूरी मेथी। तेजगी हम मेथी ले लेते नहीं हाथ पे से रगड़ के डाले के बाद अच्छे तरह से रगड़ ली और ओकरा के डाल दी और सब मसाला डाल के अच्छे तरह से करा के मिक्स कर लेवे के बाद, मिला लेवे के बाद, तो हमार ग्रेवी बहुत ही अच्छे से उबाल आ गेल बा। देखी एजगी लगभग लगभग हमार सब्जी तैयार भ गेल बा। सेव डाले के बटे तो जब हमार ग्रेवी अच्छे से पाक जाए तब हम एकरा में सेव डालब।
नहीं तो अगर हम पहले सेव डाल के करके उबालब तो फिर हमारा ग्रेवी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, गाढ़ा हो जाए। बस अच्छे से करा के खोले दीजिए 2 से 3 मिनट, और जब ये सारा मसाला अच्छे तरह से पक जाए तब इकरा में हमारा डाले के बाद सेव। तो 1 कटोरी सेव के हम इसके यूज़ के लिए बनी सेव मोटा वाला जो नावेला मार्केट में तोड़ डाली, और सेव डल्ला के साथ थोड़ा सा मिलाई और बाद डाल दी बारीक कटल हरा धनिया, और तुरंत गर्मा गर्म गैस बंद करके एकरा के सर्व करी। गैस के बंद करी और गर्मा गर्म सेव टमाटर के सब्जी आप सर्व करी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। अगर आप 1 से 2 मिनट भी रुक जाए तो हमारा हम जो ग्रेवी हमने के बनेले बन जाए तो गाढ़ा हो जाए और सब्जी में सेव बहुत सॉफ्ट हो जाए तो अच्छा ना लगे खाए में। आप ग्रेवी के 2 भाग में करके रख सके नहीं, और जैसे जितना लोग खाए खाती बैठा था तब ओकरा हिसाब से सेव डाल के सर्व कर सके नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी सा सेव टमाटर का सब्जी तैयार भ गेल बा। अगर रेसिपी अच्छा लागल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब जा, और कमेंट्स करी कि आपके रेसिपी कैसन लागल। टमाटर के सब्जी गुजरात के बहुत ही फेमस रेसिपी है, गुजरात में बहुत ही पसंद से लोग खाला। अगर आप सब लोग के भी पसंद आयल हो तो जरूर लाइक करब सब्सक्राइब करब। तन ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ फिर आप लोगों से जल्दी मिलता नहीं, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।